हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ml दूध। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है जिससे कि कस्टर्ड एकदम स्मूथ, क्रीमी और ज्यादा टेस्टी बने। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी कस्टर्ड बनाने के लिए फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करें। एक कप आम की प्यूरी, यहाँ पर मैंने आम को बिना पानी डाले ही क्रश करके थिक प्यूरी बनाकर लिया है जिससे कि कस्टर्ड के अंदर मैंगो का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। आधा कप बारीक कटे हुए आम। मैंगो कस्टर्ड के लिए मैंने फ्रूट्स में सिर्फ आम का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो दूसरे फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1/3 कप चीनी। मैंगो कस्टर्ड के लिए मैंने चीनी थोड़ी सी ज्यादा ली है, लेकिन आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आखिर में हमें चाहिए थोड़े से आलमंड फ्लेक्स और थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स। यहाँ पे मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से लिए है, लेकिन आपको अगर कस्टर्ड के अंदर डालना है तो थोड़े से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो चलिए सुपर कूल मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे और उसके अंदर हमने जो दूध लिया है उसमें से 450 ml जितना दूध डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने 1/3 कप जितना दूध इस जार में रखा है और इस पैन वाले दूध को गर्म होने देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया था उसके अंदर हमने जो दूध बचा के रखा था वो डाल देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लिया है। दूध हल्का सा सिमर होने लगा है तो उसके अंदर चीनी डाल देंगे। अब इसे हिला लेंगे ताकि चीनी पिघल कर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स करके रखा था उसे वापस से एक बार हिला लेंगे ताकि अगर कस्टर्ड पाउडर नीचे दूध में सेट हो गया हो तो वो वापस से दूध में मिक्स हो जाए। अब एक हाथ से इस कस्टर्ड पाउडर वाले मिक्सर को दूध में डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए विस्कर ले लिया है, लेकिन आप चाहे तो इसे स्पैटुला से भी मिक्स कर सकते हैं। इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे तले में चिपक न जाए। गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लेंगे। तो ये 2 मिनट में ही थोड़ा सा थिक होने लगा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी परत जैसा लग रहा है और ये रुक रुक के गिर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो गैस बंद कर लेंगे, अब फैन ऑन कर लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए ठंडा कर लेंगे जिससे कि इसके ऊपर मलाई की परत न जमे। तो ये देखिए, हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए ठंडा कर लिया है जिससे कि इसके ऊपर मलाई की परत नहीं जमी है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ है। अब इसके अंदर हमने जो आम की प्यूरी बना कर लिया है वो डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ही आम की प्यूरी मिक्स करें ताकि आम का टेस्ट और कलर दोनों ही बरकरार रहे। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो आम के कटे हुए पीसेस लिए थे वो भी डाल देंगे और उसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आम के पीसेस को भी मिक्स कर लिया है। तो हमारा मैंगो कस्टर्ड तैयार है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से आलमंड फ्लेक्स और थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स डालकर गार्निश कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने बादाम फ्लेक्स और पिस्ता फ्लेक्स को गार्निशिंग करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो कस्टर्ड के अंदर भी डाल सकते हैं। तो हमारा सुपर कूल मैंगो कस्टर्ड तैयार है। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर ले और उसके बाद सर्व करें। तो आपने देखा ना कि मैंगो कस्टर्ड बनाना कितना आसान है, और गर्मियों के सीजन के लिए ये बहुत ही बढ़िया डेजर्ट है। तो आज की ये रेसिपी आप एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।